अगर भविष्य में किसी मोड़ पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया है तो हम अभी तक किसी टाइम ट्रेवल से क्यों नहीं मिले हैं? अगर हम उनसे मिल भी लें तो हम उन पर किस तरह से यकीन करें? उनकी टाइम मशीन किस तरह की दिखेगी और वो चलेगी कैसे? शायद हो सकता है कि भविष्य में टाइम ट्रेवल बेहद खतरनाक हो और उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़े। अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई जा चुकी है जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन पास्ट में आकर फ्यूचर के खतरों के बारे में बताते हैं और हमें उनसे बचाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइम ट्रेवल को इतने बड़े लेवल पर इमेजिन ना करें। 1998 में जॉन टाइटर नाम का एक इंसान भविष्य से हमारे दौर में आया था। ऐसा वो पूरी दुनिया से कह रहा था। उसने बताया कि उसकी टाइमलाइन पर जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 2034 पर टाइम ट्रेवल का आविष्कार कर लिया है। यहां तक कि उसने अपनी टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को अच्छे से दिखाया और समझाया भी था, लेकिन फिर जॉन कहीं गायब हो गया। क्या वो जिस मिशन के लिए आया था वो खत्म हो चुका था, या फिर जॉन केवल एक काल्पनिक व्यक्ति था जिसकी कहानी किसी ने बस ऐसे ही कह दी थी? अगर टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो पाया है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि टाइम कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, समय हमारे लिए स्लो होता जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक फोर्थ डायमेंशन की चीज है, पर स्पेस एक थ्री डायमेंशन की चीज है जो हमें ऑब्जेक्ट के लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में बताता है, लेकिन टाइम ऐसी चीज है जो रास्ता भी दिखाता है। दोनों चीजें मिलकर स्पेस टाइम कंटिन्यूम को बनाती है। ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा बदल सकता है। ग्रेविटी एक तरह से स्पेस टाइम में एक बैंड की तरह है। ये अपनी प्रॉपर्टी की मदद से स्पेस और टाइम दोनों को बदल कर रख सकती है, लेकिन इस तरह की हाई ग्रेविटी के लिए आपको बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक ब्लैक होल। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम समय में अपने मन मुताबिक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है स्पीड। अगर हम किसी भी तरह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर पाए तो बाहरी दुनिया का समय अपने आप स्लो हो जाएगा और हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत ही अनोखी चीज का इस्तेमाल किया था, जो थी एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताती है और छोटी से छोटी डिफरेंस को भी पकड़ लेती है। साइंटिस्ट ने एक क्लॉक को हाई स्पीड जेट एयरक्राफ्ट में रखा और दूसरे क्लॉक को धरती पर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट के अंत में यह पता चला कि जो क्लॉक एयरक्राफ्ट में रखी गई थी उसकी स्पीड अर्थ पर रखी हुई क्लॉक से स्लो हो गई थी, हालांकि ये डिफरेंस बहुत ही छोटा था। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगे तो आपके लिए वक्त बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी धरती के लिए वक्त सेम स्पीड से बढ़ता रहेगा। थियोरेटिकली जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलना बंद कर देंगे तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। टाइम ट्रेवल करने का दूसरा सबसे फेमस तरीका है वर्म होल्स। वर्म होल शब्द आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से ही आया है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि स्पेस में ब्रिजेस यानी पुल एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इनकी मदद से हम बिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस कुछ ही सेकेंड्स में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम में बने इन शॉर्टकट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नाम दिया गया है, जिन्हें हम वर्म होल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल है। अभी तक कोई भी फिजिसिस्ट वर्म होल को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, इस वजह से इस थ्योरी को अभी भी हाइपोथेटिकली माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम स्केल पर लगातार बढ़ते ही रहते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हम बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी का जरूरत पड़ेगी, और ये अभी तक सिर्फ थ्योरीज में ही पॉसिबल हो पाया है। फिजिसिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि वर्म होल हमेशा कोलैप्स करते रहते हैं और उनके अंदर जो भी जाने की कोशिश करता है वो उनको दबा देते हैं। तो अगर कोई टाइम ट्रेवलर वर्म होल से स्पेस ट्रेवल करना चाहे भी तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कभी वापस आ पाएगा या नहीं। और किसी भी टाइम ट्रेवलर के लिए वर्म होल तभी काम करेगा जब वो उस वर्म होल के मुंह को देर तक खुला रख सके। इस काम को करने के लिए नेगेटिव एनर्जी या डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसे अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब टाइम ट्रेवल करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल है तो आखिर इसे इतना फेमस किसने किया? लोग सच्चे मन से ये विश्वास क्यों करते हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? कुछ लोगों को तो ये तक कहना है कि टाइम ट्रेवलर्स हमारे बीच में ही रहते हैं।
चलिए ऐसी ही घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। साल 2008 में दिसंबर में चाइनीज रिसर्चर ने जब 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उन्हें एक रिंग की साइज की घड़ी मिली जिसका समय 10:06 हो रहा था और वो घड़ी वहीं पर रुक गई थी। ये वॉच स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी लेकिन इतने साल पहले ना तो स्विट्जरलैंड था ना ही कोई इस तरह की घड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी थी, तो क्या ये वॉच टाइम ट्रेवलिंग का कोई प्रूफ हो सकता है? दूसरी चौंकाने वाली घटना मंगोलिया के अटलाई माउंटेन्स की है जहां 10 फीट गहरी गुफा को खोदते हुए उन्हें 1500 साल पुरानी ममी मिली। ये ममी में और कुछ भी नहीं था, बस एक रेड कलर के जूते पहने हुए थे, शूज पर 3 व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई थी जो आजकल लेटेस्ट ब्रांड के शूज पर मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1500 साल पुरानी ममी ने ऐसे शूज पहने हैं? सच क्या है ये सही सही बताना वाकई मुश्किल है। साल 1998 में जब ब्राउन टाइटर यहाँ पर आया था तो उसने कहा कि वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। उसने अपनी मशीन को C204 कहा था। इस छोटी सी मशीन की मदद से उसने ग्रेविटी को कंट्रोल किया था और स्पेस में एक होल बनाया था। उसका तो ये कहना था कि इस मशीन की मदद से वो एक बार में केवल 60 साल ही पीछे जा सकता है। लेकिन क्या वो ये सारी बातें सच कह रहा था? ये साबित करने के लिए कि कोई टाइम ट्रेवलर है ये टाइम ट्रेवल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इन थियरी टाइम ट्रेवलर फ्यूचर के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं, अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को यहाँ दिखा भी सकते हैं और यहाँ तक कि वो अपने जेनेटिक्स को टेस्ट करके प्रूफ भी कर सकते हैं कि वो इस समय के नहीं है। लेकिन टाइम ट्रेवलर से मिलने की एक व्यक्ति ने बेहद ही सिंपल तरीका निकाला था। साल 2009 में स्टीवन हॉकिन ने एक पार्टी रखी थी जिसमें केवल टाइम ट्रेवलर्स को ही इन्वाइट किया गया था। स्टीवन हॉकिन ने उस पार्टी के इन्विटेशन को वर्ल्ड वाइड में पार्टी खत्म होने के बाद सबको बताया था ताकि अगर कोई टाइम ट्रेवलर इस इन्विटेशन को पढ़े तो वो वक्त में पीछे आकर उस पार्टी को जा सके। लेकिन बदकिस्मती से इस पार्टी में कोई भी नहीं आ पाया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टाइम ट्रेवलर्स एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है कि टाइम ट्रेवलर्स इतने परफेक्ट नहीं हो जितना हम सोचते हैं। हो सकता है एक टाइम ट्रेवलर 2022 में जाने के बजाय 1922 में पहुंच गया हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई टाइम ट्रेवलर वक्त में पीछे आकर हमारे भविष्य को ही बदल डाले। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर किसी टाइम ट्रेवलर ने आपको अपने फ्यूचर के बारे में बता दिया तो जाहिर सी बात है आप अपने फ्यूचर को किसी भी तरह बदलना चाहोगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस फ्यूचर वर्जन के बारे में टाइम ट्रेवलर ने आपको बताया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप बस अपनी रियलिटी को हटकर दूसरी रियलिटी में पहुंच जाएंगे यानी आपकी टाइमलाइन ही बदल जाएगी। हर दिन हम कुछ ऐसे फैसले ले रहे होते हैं जो हमारे होने वाली रियलिटी में से कुछ अलग होते हैं। इसलिए अपने भविष्य के बारे में जानकर भी ये जरूरी नहीं कि आप वही चीज़ें दोबारा कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।